दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वृत्त से संबंधित सारी चीज़ें तो वृत्त के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वो सब यहाँ बताने वाले हैं वृत्त क्या होती है एक चूड़ी जैसी आकृति होती है जो गोल होती है पूरी की पूरी तो इस प्रकार से आप वृत्त को बना लेंगे गोल अब इसको क्या करते हैं प्रकार की सहायता से अगर बनाएं तो बीच में जो होता है वो केंद्र होता है तो इसको क्या बोलते हैं केंद्र है ना बीच में सेंटर केंदर। केंदर के अंदर केंद्र के सारे सारे चाप काट के हम इसको गोल बनाते हैं फिर क्या बोलेंगे यहाँ से केंद्र को अगर मैं इस परिधि से मिला दूँ ऐसे सीधी रखा खींच दूँ तो ये क्या होगी त्रिज्या आर होती है और इसको हम क्या बोलते हैं त्रिज्या सिंपल सा नाम है इसका त्रिज्या और इस केंद्र को वापस इस वाली त्रिज्या से भी इसको भी मिला दूंगा तो ये भी त्रिज्या है और पूरी अगर इसकी बात करेंगे तो ये पूरा होता है व्यास पूरा क्या होता है व्यास यहाँ से लगा कर यहाँ तक पूरा व्यास बन गया ये भी त्रिज्या है आधी इधर है और आधी इधर है ध्यान देखना मैं सिंपल से परिभाषा बोल रहा हूं कि वृत्त के केंद्र को इस केंद्र को ओ नाम देते हैं तो वृत्त के केंद्र को वृत्त की परिधि ये जो गोल गोल है इसको क्या बोलते हैं परिधि परि का मतलब होता है चारों ओर इसलिए इसका नाम पड़ गया परिधि तो वृत्त के केंद्र को वृत्त की परिधि से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी त्रिज्या कहलाएगी और व्यास की परिभाषा क्या होती है परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वृत्त के केंद्र से गुजरे ऐसे तो गुजरने में बहुत सारी रेखाएं गुजर सकती है लेकिन जो केंद्र से गुजरेगी वो ही व्यास होगी अब एक रेखा मैं और खींच रहा हूँ यहाँ पर देखो इस प्रकार से खींच दी मैंने अगर तो आप इसको व्यास नहीं बोलेंगे क्यों क्योंकि ये केंद्र से नहीं गुजर रहा है तो ये क्या है फिर इसका नाम है जीवा इसको बोलते हैं जीवा जीवा की क्या परिभाषा होती है परिधि के किन्नी दो बिंदु को मिलाएगी बस उसको जीवा बोलेंगे खुद व्यास भी एक जीवा होती है तो इतना आपको याद रखना है त्रिज्या और व्यास के बारे में और परिधि के बारे में अब इनके सूत्र क्या होंगे तो वो मैं बता रहा हूं तो त्रिज्या क्या होती है त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं कि आर बराबर त्रिज्या ये पूरी त्रिज्या आदि ये व्यास की आदि होती है पूरा क्या है व्यास व्यास की आदि तो त्रिज्या को हम लिख सकते हैं कि व्यास बटा दो व्यास में अगर दो का भाग लगाएं त्रिज्या निकल जाएगी अगर हमको व्यास निकालना है व्यास निकालने में त्रिज्या दे रखी है तो त्रिज्या को दो से गुणा कर देंगे त्रिज्या को अगर दो से गुणा कर देंगे तो व्यास आ जाएगा और परिधि की बात कर रहा है परिधि के बारे में बताना पड़ेगा परिधि इसके चारों ओर घूमना तो ये होगी टू पाई आर टू पाई आर और पाई का मान अब पता ही आपको बाईस बटा सात और वैसे तीन पॉइंट एक चार ये भी मापते हैं लेकिन बाईस बटा सात ज्यादा काम में लिया जाता है अगला बात करता हूं इसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल क्या है वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा टू पाई आर परिधि है और पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा अगर मैं इसमें कोण की बात करूँ इसमें कोण भी बनता है ध्यान रखना यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है वो पूरा घूम जाएगा अपनी जगह पर तो पूरा घूमना मतलब तीन डिग्री घूमना हो जाता है तो वृत्त के अंदर तीन डिग्री का कौन बनता है इतना आपको ध्यान रखना है तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया त्रिज्या व्यास परिधि और क्षेत्रफल बताया याद रखना आपको परिधि टू पाईआर है क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है पूरा एक सर्कल है बीच में केंद्र है केंद्र को परिधि से मिलाएंगे त्रिज्या पूरी रेखा इस यहां से यहां तक मिलाने वाली रेखा जो व्यास बोलते हैं उसको और वो केंद्र से गुजरनी चाहिए तो इतनी चीजें आपको वृत्त के बारे में ध्यान होनी चाहिए इसके सूत्र भी मैंने बताया आपको परिधि के क्षेत्रफल के तो आपको याद भी हो गए होंगे ये टू पाई आर और वापस पाई आर स्क्वायर ऐसा याद रखना है इसमें टू आगे आता परिधि में फिर पाई आर और अगर क्षेत्रफल याद रखना है तो पाई आर और अब की बार टू आगे था तो ये ऊपर चला गया यहाँ पर इसके ऊपर आ गया देखो ऊपर आ गया टू आर स्क्वायर आर स्क्वायर तो इस प्रकार से आप इसको याद रख पाएंगे इसमें इस वीडियो में मैंने वृत्त के बारे में बताया अगली वीडियो में किसी और चित्र के बारे में बताऊँगा और आकृति के बारे में बताकर मैं आपको सूत्र याद करवाऊँगा हम मिलेंगे अगली वीडियो में इसी प्रकार तब तक तो आप पढ़ाई करते रहें और अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें इससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में धन्यवाद